बैक टू माई चैनल। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे अपने घर पे। सो आज मैं जाने वाली हूँ कैफे डेली हाइट्स। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फूड ट्राई करा हुआ है, बट आज मैं ट्राई करने वाली हूँ थोड़ा सा डिफरेंट फूड। सो लेट्स सी कि यहाँ पे वो फूड कैसा मिलता है। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। आई नो आप सभी लोग शाउट आउट का वेट कर रहे होंगे, एंड आज का शाउट आउट जाता है श्रेया आर्य को। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली कॉमेंट। इफ़ यू वॉन्ट शाउट आउट्स लाइक दीज ऑन माई वीडियो, देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल so that you get notified every time I upload a video, and also comment down below what you love the most about this video. Cafe Delhi Heights के आपको all over outlets काफी ज़्यादा मिल जाएंगे, but जिस specific outlet में मैं गई थी that was Vasant Kunj Promenade. So अगर मैं इसके ambience की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा vibrant colors इन्होंने use करे हुए थे, जिससे काफी ज़्यादा अच्छा feel हो रहा था, and also काफी ज़्यादा spacious लगी ये place मुझे. Cost for two is approximately 2000 rupees, and it serves North Indian, Chinese, Italian, and Oriental. सबसे पहले इन्होंने सर्व करी ब्रेड बास्केट, जिसमें थी सूप स्टिक्स एंड ब्रेड। जो ब्रेड थी वो मुझे हल्की सी ड्राई लगी, जिसके वजह से डिफ़िकल्टी हो रहा था उसको खाने के लिए, बट जो बटर था उसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ओवरऑल। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑर्डर्ड इज़ अ पालक पत्ता चाट, एंड मैंने काफ़ी सारी जगहों के पालक पत्ता चाट खाए हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ की पालक पत्ता चाट कैसी है। प्रेजेंटेशन तो अभी तक काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी, अब देखते टेस्ट में कैसा है। सो जो इनकी दही है वो थोड़ी सी मीठी है, एंड जो ऊपर इन्होंने स्प्रिंकल करा है वो आलू भुजिया है फॉर श्योर। बट एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि जो आलू भुजिया इन्होंने ऊपर से स्प्रिंकल करी है वो नीचे वाले और पालक पत्ता चाट में नहीं है, जिसके वजह से मुझे प्लेट में से ले लेके पालक पत्ता चाट के ऊपर सारा सामान डालना पड़ रहा था। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी ऑर्डर्ड इज अ बॉम्बे मसाला सैंडविच। देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये सैंडविच, और जो इसके अंदर आलू की फिलिंग हो रखी है वो भी काफ़ी अच्छी थिक है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करी गई है, काफ़ी अच्छी फिलिंग है। उसके अलावा इसके अंदर लेटस एंड टमेटो भी है। सो अब देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। सो अगर मैं इसके ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ तो मुझे काफ़ी ब्लैंड लगा, सॉल्ट तो मुझे मिसिंग लगा ही लगा इसके अंदर, इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया खा के। यहाँ पे इसके साथ इन्होंने वेजीज भी दी थी, ये काफ़ी अच्छे थे, जैसे होते हैं बिल्कुल वैसे ही थे। अब मुझे इसको वेस्ट तो करना था नहीं, तो आई थॉट कि इसको केचप के साथ क्यों ना ट्राई करा जाए। सो इस मसाला बॉम्बे सैंडविच को मैंने केचप के साथ ट्राई करा, एंड ये फिर भी थोड़ा बेटर लग रहा था मेरे को। दिस इज़ नॉट द बेस्ट बॉम्बे मसाला सैंडविच जो अभी तक मैंने ट्राई करा है, तो ये मुझे ओकेश लगा। सो यहाँ पे ड्रिंक्स में ऑर्डर करा है मिंटी लेमनेड, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगा। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई ट्राइड इज़ द फिल्टर कॉफ़ी, जिसके साथ इन्होंने 3 डिफरेंट टाइप्स की कुकीज़ दी हुई हैं। सो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन कुकीज़ को ट्राई करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने अपनी फ़िल्टर कॉफ़ी को अपने छोटे से कप के अंदर डाल दिया ताकि ठंडी हो जाए। ऑनेस्टली जो इनकी फ़िल्टर कॉफ़ी थी काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी, अगर मैं इसको कप में शिफ्ट नहीं भी करती तो भी चल जाता, एंड फॉर सम ऑड रीज़न इसके अंदर मुझे कॉफ़ी का टेस्ट ही नहीं आया, आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड। इसके साथ जो इन्होंने 3 टाइप्स की कुकीज़ दी थी वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी, आई विश कि इनकी कॉफ़ी अच्छी होती तो ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता। सो द लास्ट थिंग दैट आई ऑर्डर्ड इज़ अ मुंबईया वड़ा पाव, देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसके साथ इन्होंने ग्रीन चटनी एंड ड्राई गार्लिक चटनी दी हुई है अलॉन्ग विद ग्रीन चिलीज। सो आप इसको अपने वड़ा पाव में डाल सकते हो, अपने स्पाइस के हिसाब से, अपने टैंगीनेस के हिसाब से इसको बना सकते हो। सो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर मुझसे गलती से इनकी ड्राई गार्लिक चटनी काफ़ी ज़्यादा डल गई, उसके साथ मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज भी डाल दी है, बट आई जस्ट होप कि ड्राई गार्लिक चटनी से मेरा जो वड़ा पाव है इतना ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए कि मैं खा ना पाऊँ। यहाँ पर मेरा वड़ा पाव हो गया है रेडी, एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस वड़ा पाव, बिकॉज अभी तक जितनी भी मैंने डिशेस खाई हैं वो इतनी अच्छी नहीं लगी, एंड ये मेरी लास्ट डिश है यहाँ पे। सो आई जस्ट होप कि अच्छा निकले। जो इसका वड़ा है वो तो काफ़ी ज़्यादा मोटा ताज़ा लग रहा है, और जो इसका ब्रेड है या पाव है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। अगर मैं इसके ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा चटपटा लगा, एंड हल्का सा स्पाइसी हो गया जस्ट बिकॉज मुझसे गलती से ड्राई गार्लिक चटनी थोड़ी ज़्यादा डल गई, बट उसके अलावा मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वड़ा पाव इज़ दी ओनली डिश जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगी जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में ट्राई करी। अनफॉर्चुनेटली कैफे डेली हाइट्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं गया। अगर आप में से किसी ने कैफे डेली हाइट्स ट्राई करा है देन कमेंट डाउन बिलो योर एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आएगा, एंड इफ यू लाइक इट देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय।